वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम आपको हैदराबादी तुराई गोश्त बनाना बताएंगे। उसके लिए आपको इन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सा इंग्रेडिएंट कितनी कितनी क्वांटिटी में चाहिए। आपको हाफ के जी तुराई, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ बॉल ऑयल, वन टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, वन टी स्पून नमक, थ्री टमाटोज, टू टी स्पून मिर्ची, हरा धनिया, टू हरी मिर्ची, गोश्त, टू नॉर्मल साइज ऑनियन। हमने स्टोव पर कुकर चढ़ा लिया है। अब हम उसमें ऑयल ऐड करेंगे और प्याज ऐड करेंगे। अब थोड़ी सी प्याज फ्राई कर लेनी है और उसमें अदरक लहसुन ऐड कर अच्छे से फ्राई कर लेना है। अदरक लहसुन डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। प्याज और अदरक लहसुन फ्राई हो चुका है। अब हम उसमें गोश्त ऐड कर लेंगे और हल्दी ऐड कर लेंगे और मिर्च ऐड कर लेंगे। अब हम उसमें नमक ऐड करेंगे। अब अच्छे से मिक्स कर टमाटे ऐड कर लेना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमें उसमें 1 कप वाटर ऐड कर लेना है। अच्छे से मिक्स कर 4 to 5 विजल्स के लिए प्रेशर कुक कर लेना है। हमारे 5 to 6 विजल्स हो चुके हैं। अब हमें उसे अच्छे से भून लेना है। अब हमने उसे अच्छे से भून लिया है। अब हमारे गोश्त अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम उसमें तुराई ऐड करेंगे। वॉश करी हुई तुराई ऐड करेंगे। अब हमें तुराई में नमक ऐड कर लेना है ताकि तुराई फीकी ना लगे। अच्छे से मिक्स कर उसमें 1 कप वाटर ऐड करना है। और 2 विजिल्स के लिए प्रेशर कुक कर लेना है। हो चुके हैं। हमारी तुराई अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम उसमें हरा धनिया ऐड करेंगे और हरी मिर्ची ऐड करेंगे। अब हमें 2 मिनट दम पर रख देंगे। हमारे 2 मिनट्स हो चुके हैं। अब देख सकते हैं हमारी तुराई का कलर कितना अच्छा आया है। अब हम आपको डिश आउट करके बताते हैं। देख सकते हैं हमने डिश आउट कर लिया है। ये बहुत ही इजी एंड टेस्टी रेसिपी है। ये बहुत ही कम टाइम में बनती है। आप भी ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Bye!